बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चा, आज है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बच्चा क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आपने हमने डिस्कस किया था इनकम स्टेटमेंट, जिसमें आप बोलोगे सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने क्या ढूंढा था? तो आप बोलोगे सर हमने ग्रॉस प्रॉफिट, बाद में प्रॉफिट फॉर द ईयर ढूंढा था। तो ये बच्चा आप बोलोगे सर सेम वे यहाँ पे भी अभी ये फोकस करना है, हमें थोड़े एक वर्ड पे फोकस करना है जहां पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। आप बोलोगे सर ये रेशियो क्यों ढूंढा जाता है? तो हमें पता चलता है कि हम सेल्स करते हैं तो कितना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बैठता है और कितना हमारा कॉस्ट है। सपोज इसका आंसर आया, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आप समझ लो आंसर जो आएगा वो परसेंटेज टर्म में आएगा। क्लियर है बच्चा? सपोज आंसर आया 20%, कितना आया बच्चा 20%। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ 80% आपने जो सेल किया है उसकी कॉस्ट है और 20% आपका प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट। अभी आप बोलोगे सर यहाँ सेल्स कौन सा लेना है? तो सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, मतलब टोटल सेल्स। और जब भी नेट सेल्स वर्ड लिखा हुआ है, नेट सेल्स मतलब क्या? तो आप बोलोगे सर टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बच्चा ये छोटे छोटे वर्ड लिख देना कई बार कंफ्यूजन का कारण बनते हैं, क्योंकि आपको कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखा होगा, लिखा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, वो तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू जीपी मींस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे ढूंढा जाएगा? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो आप बोलोगे सर क्रॉस जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कैसे ढूंढा जाता है? तो बच्चा इसकी थोड़ी फॉर्मूला लंबी है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उसको जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। तो वो जो आंसर आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आएगा। बच्चा ये क्या है कि आप फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें क्या है कि अल्टीमेटली आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाली आपको प्रॉपर लिखते जाना है और करते जाना है तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटे सम, इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसके होमवर्क के सम भी मैं ही करवा दूंगा एक ही साथ, जिससे क्या कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन एक मैं लिख के करवाऊंगा, एक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो वो ध्यान रखना है। यही वीडियो में दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यही वीडियो को हम थोड़ा मैं पूरा पहले एक्सरसाइज के सम करवाऊंगा, इलास्ट्रेशन की सम भी मैं ही करवाऊंगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए और इतने सम आपको प्रॉपर करना है। तो चलो बच्चा सबसे पहले शुरू करते हैं। पेज नंबर 246 पर सम नंबर 4 है, उसके अंदर सबसे पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आपको रेशियो ढूंढना है, कौन सा वाला? ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप बोलोगे फर्स्ट सर लेना शुरू करते हैं, यहां पे जो दिया हुआ है वो क्या है? सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आप बोलोगे सर जीपी रेशियो, बच्चा मैं शॉर्ट में यूजुअल लिखता हूं लेकिन आपको तो ग्रॉस प्रॉफिट की आदत डालनी है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो आप बोलोगे सर ये ग्रॉस प्रॉफिट है वो होगा 10 लाख है, दिया हुआ है, और यहां पे आप बोलोगे 30 लाख है, इनटू 100 करोगे तो 33.33% होगा। क्लियर है बच्चा? इसके बाद आप बोलोगे सेकंड वाला पॉइंट जिसमें आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, इसके बाद आप बोलोगे सर ये खत्म, ये था हमारा पहला रेशियो। दूसरा जो रेशियो दिया हुआ है सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट तो रेशियो हमें पता है, फॉर्मूला हर बार लिखेंगे बच्चा, ऐसा नहीं कि एक बार लिखा और खत्म, क्योंकि आपके लिए तो यही प्रैक्टिस है, जितना प्रॉपर लिखोगे उतना प्रॉपर आपको समझ में आएगा। तो आप बोलोगे सर इतना तो हमें पता चल गया, आपने समझाया, अभी जो करना है बच्चा उसमें क्या करना है? तो आप बोलोगे सर से हमें चाहिए सेल्स पता है कितना 10 लाख, और आप बोलोगे सर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं,
COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें इनडायरेक्टली दिया हुआ है। आप बोलोगे सर यहाँ 15 लाख है, 15 लाख माइनस 12 लाख, तो आप बोलोगे सर 3 लाख जो होगा वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आते ही आप बोलोगे सर इसमें क्या करोगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आते ही आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 लाख और यहाँ पे 15 लाख, तो यहाँ करोगे तो 5 हो जाएगा, 20% कितना बच्चा 20%। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेशियो है बेसिकली क्या, आपको वो भी थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, कोई वर्ड्स में बोलना हो तो ये रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स के बीच में। एक सम करवाने के बाद ये कुछ बोलो तो समझ में भी आता है, क्योंकि यहां मैं बहुत बोल दूंगा लेकिन आपने जब तक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे नहीं होंगे तो समझ में कम आएगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बेसिक लेवल का है, दो चीज चाहिए और इन्फॉर्मेशन और वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चा ये है तो बेसिक ही, लेकिन आपको फॉर्मूला आती हो तो, फॉर्मूला नहीं आएगी तो कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तो एक रेशियो है, धीरे धीरे करके रेशियो जुड़ते जाएंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसमें प्रॉपर तरीके से करते जाना है। तो बच्चा ये लिख लो, इसके बाद थर्ड सम चालू करते हैं। चलो बच्चा थर्ड नंबर का सम स्टार्ट करते हैं, जिसमें इन्फॉर्मेशन है सेल्स दिया हुआ है 20 लाख, सेल्स रिटर्न 2 लाख, ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 3,50,000, परचेज एंड परचेज एक्सपेंस। तो आप बोलोगे सर सर इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले बच्चा आपको पहले ग्रॉस प्रॉफिट की फॉर्मूला लिखनी है, 4 लाइन छोड़ देनी है, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए ओपनिंग स्टॉक चाहिए जो है 2,50,000। आप बोलोगे सर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो हमारे पास है 12 लाख। आप बोलोगे सर इसके बाद परचेज एक्सपेंस भी दिए हुए है, तो आप बोलोगे सर ये करोगे तो 15 लाख हो जाएगा तीनों का टोटल। आप बोलोगे सर इसके बाद क्या करना है, तो बच्चा परचेज क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 3,50,000, तो यहां से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11,50,000। आप बोलोगे सर यहाँ कोई और एक्सपेंस है नहीं, तो 11,50,000 से हमारा काम बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया। तो आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट तो बाकी है, लेकिन बच्चा वो बहुत इजीली मिल जाएगा। तो आप बोलोगे सर अभी आपने लिखा था वैसे ही लिखते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आप बोलोगे सर सेल्स जो है उसमें भी सेल्स रिटर्न है, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा सेल्स, यहाँ पे सेल्स रिटर्न एंड नेट सेल्स, वर्ड ऐसे लिखना है। सेल्स जो है वो 20 लाख, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 18 लाख। कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 11,50,000, तो आंसर आएगा 6,50,000, जिसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बच्चा, ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 6,50,000 इनटू 100, और आप बोलोगे सेल्स है सर 20 लाख। सेल्स बच्चा कितना लेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लेंगे 18 लाख। क्या लिखेंगे बच्चा, 18 लाख, तो यहाँ पे करोगे 36.11%। कितने परसेंट, 36.11%। आप बोलोगे सर ये एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाना चाहिए बच्चा। इसके बाद अभी बच्चा थोड़े इलास्ट्रेशन कवर कर रहा हूँ, थोड़े सेम टाइप के, थोड़े अच्छे वाले, लेकिन क्या है कि वो ऐसे मैं होमवर्क में देता हूँ, लेकिन आपको करने के लिए एक ही साथ आपको प्रॉपर क्लियर होगा, लेकिन वो थोड़ा स्पीड से जाएगा, तो वो ध्यान से समझना। ये शांति से प्रॉपर लिख लो, उसके बाद अभी हम प्रैक्टिकल सम इलास्ट्रेशन में से करेंगे। चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब में बेसिकली देखना क्या है। तो आप बोलोगे सर ये सब में जो बेसिकली आपको समझना है वो है ग्रॉस प्रॉफिट रिलेटेड, जो कंटिन्यूएशन में करने वाले वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा ये इलास्ट्रेशन ही करवा रहा हूँ, तो थोड़ी तो स्पीड होगी, खाली मुझे आइडिया देना है, क्योंकि ये सब में प्रॉब्लम क्या है कि ये चैप्टर में सम्स बहुत कम है, जो होने चाहिए इतने सम्स नहीं है। तो इसकी वजह से कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, उसके लिए ये मैं सम करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे जो देखना है वो शुरू करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 1, जिसमें दिया हुआ है कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और गिवन इन्फॉर्मेशन ऑफ जेड कंपनी लिमिटेड। सेल्स दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 16 का, 17 का, सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट।
आपको ढूंढना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला। हर एक सम में लिखने की आदत डालनी है बच्चा, लिखोगे तो आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। कैलकुलेशन करोगे, वैल्यू पुट करोगे, 1,20,000 डिवाइड बाई 480 इंटू 100 तो 25%, 180 डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 100 करोगे तो 30% होगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये हमें कंसेप्ट क्लियर है, तो बच्चा लिखने के लिए आपको पॉज करना है, वो ध्यान रखना है। मैं अपनी तरफ से अपनी स्पीड से ही जाऊँगा। दूसरा एक और पॉइंट, कई जगह पे एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली क्या है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे पॉइंट कवर हो जाए, इसके लिए ही मैं ये ले रहा हूँ। जिसके अंदर दिया हुआ है 25% दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि 100 है ये, 25 इसका रिप्रेजेंट करेंगे तो 75% कॉस्ट ऑफ सेल्स है। फिर से बोल रहा हूँ, कई बच्चों को इसमें स्ट्राइक नहीं हुआ होगा, टोटल सेल्स 100 है। आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो आया वो 25 आया, इसका मतलब 75 जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। समझ में आया बच्चा? अभी 100 है सेल्स, 30 ये है, तो 70 क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। बस बच्चा ये ध्यान रखना है। समझ में आया? शांति से ये प्रॉपर लिख देना, ये कई जगह पे एमसीक्यू में आएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद बच्चा आपको दिया गया इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो जिसमें क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में तो फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन ओ बिजनेस एंटिटी कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो यहाँ दिया हुआ है सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ दिया हुआ है। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें ढूंढना पड़ेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आप बोलोगे सर जीपी कब ढूंढना पड़ेगा, तो सिंपल यहाँ पे 8 लाख में से 2 लाख, मतलब 8 लाख में से 6 लाख जाएगा तो 2 लाख आएगा, फॉर्मूला हमें पता है। और यहाँ पे बोलोगे आप 2 लाख आएगा, वो भी कोइंसिडेंटली सेम अमाउंट है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा आप बोलोगे सर ये तो हमें क्लियर है, तो यही उन्होंने फॉर्मूला को प्रॉपर रिप्रेजेंट करके लिखा हुआ है, वो लिखना पड़ेगा बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन टोटल नेट सेल्स वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स रिटर्न है नहीं, लेकिन नेट सेल्स लिखो सेल्स लिखो उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो बच्चा ये लिखा हुआ है और उन्होंने आंसर करके कैलकुलेशन लिखा हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा इंटेंशन वो है कि कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, फॉर्मूला में वैल्यू आ गई उसके बाद तो आप राजा हो, आराम से वो कर लोगे सॉल्व, तो बस वही ध्यान रखना। अभी बच्चा थर्ड इलस्ट्रेशन, जहाँ पे सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है, तो मुझे ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट ऑलवेज लगता है जैसे ये ऐसे पॉइंट दिए होते। तो देखो बच्चा यहाँ पे दिया हुआ इन्फॉर्मेशन ऑफ 2 ईयर्स क्यू कंपनी एज फॉलो, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो आपको आराम से सेल्स मिल जाएगा, ये दोनों का सेल्स मिल जाएगा। जैसे सेल्स मिल जाता है बच्चा तो आप बोलोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया है, सेल्स दिया हुआ है। तो बच्चा ये जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है, सेल्स दे दिया है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग परचेज दिया हुआ है, परचेज एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगा, ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रहेगा परचेज प्लस परचेज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो क्या होगा बच्चा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाए तो आप बोलोगे सर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप ढूंढ लेते हो, तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट दोनों में आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट आता है उसके बाद वैल्यू पुट करो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चा कहने का मतलब वो है जितना आप प्रॉपर करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा, बस उतना मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी तो स्पीड, ये इलास्टेशन है वो ध्यान रखना। बेसिकली जितना आप प्रॉपर करते हो एक बार देख लेते हो तो आपको क्लैरिटी लेवल परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद बच्चा आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट, अभी जो आगे जा रहा है तो वो है 2 ईयर्स इन्फॉर्मेशन एफ कंपनी गिव बिलो, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न लेना है, परचेज एक्सपेंस, चेंज इन स्टॉक, बच्चा ये ध्यान में रखना है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ माइनस में है तो माइनस करेंगे, प्लस में है तो प्लस करेंगे। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, ओपनिंग होता है ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, तो चेंज इन स्टॉक में तो आपको वही लिखना है सीधा जो आएगा यहाँ पे स्टेप में, तो वो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल आप क्या करोगे, तो इसमें बच्चा जो आंसर आएगा वो प्रॉपर तरीके से हम ओपनिंग की जगह ओपनिंग नहीं लिखेंगे, क्लोजिंग नहीं लिखेंगे, परचेज एक्सपेंस और चेंज इन स्टॉक जो आएगा वो हम लिख देंगे। क्लियर है बच्चा, ये ध्यान रहेगा आपको।
तो बस ये एक मेन पॉइंट है। और सेल्स में से सेलिंग रिटर्न माइनस कर देंगे तो ये सेल्स आ जाएगा, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बच्चा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, तो यहाँ पे वैल्यू पुट की और तो ये 39% आ जाएगा, 43.33% आ जाएंगे बच्चा। ये अब बहुत ही नॉर्मल और ईजी सम है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको बेसिक फार्मूला याद रखनी है। मैंने जो स्टार्टिंग में करवाई थी वही फार्मूला आपको एक बार बोल रहा हूँ, पहली फार्मूला ग्रॉस प्रॉफिट की रेशियो ध्यान रखो, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की याद रखो, उसके बाद जीपी ढूंढना है तो आप इसको यूज़ कैसे करोगे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और फोर्थ पॉइंट याद रखना जो कैलकुलेशन में नीचे सेल्स लेते हैं वो नेट सेल्स लेते हैं, नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, बस ये पॉइंट ध्यान रखते हो। फॉर्मूला मैं तो बोलूँगा अभी मुझे पॉज करो, 5 मिनट का टाइम लो और ओरल बोलो, जिससे क्या होगा बच्चा ये कन्फर्म मार्क हो जाएंगे। मैं तो ऑलवेज ऐसे ही स्टूडेंट को रेडी करता हूँ, आपको वो ध्यान में रखना है बच्चा। लाइव लेक्चर होते तो भी मैं आपको पूछता कि चलो ये फॉर्मूला बोलो वो फॉर्मूला बोलो, जिससे आपको याद रह जाता, बस यही है। प्रॉपर देख लो बच्चा, इतना क्लियर कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है बच्चा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, मिलते हैं नए लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।